सुंदर काज वाला तारो प्यारो लागे। मिल गया ओहो हो मिल गया बंसे वाला। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यार अभी तो हमारे घर पर बना रहे हैं सिगड़ी, जिसे हिंदी में कहते हैं अंगीठी। उसमें क्या होता है यार, उसमें ना खीरे डालते हैं यानी कोयले डालते हैं, फिर आप उसमें सर्दियों में पानी गर्म कर सकते हो, आप चाहो जो कर सकते हो। वो है ना एक तरह का चूल्हा जो होता है ना, उसका एक अल्टरनेटिव होती है वो सिगड़ी, या हिंदी भाषा में कहें तो अंगीठी। वही अभी हमारे बना रहे हैं ऊपर, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी यार अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे सुंदरकांड है बाजार में है, सदर बाजार में बीकम चंद जी साहू के घर, तो वहाँ पर है सुंदरकांड। लगभग 7:30 बजे शुरू होगा, अभी तो 5:20 हुए हैं। और आज भी मैं कॉलेज नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे टाइम तो था यार, लेकिन नहीं जा पाया। तो कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट जमा कराने या तो कल या परसों करा देंगे, अब ज़्यादा डील नहीं करेंगे। तो चलो फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी क्या बन रही है सिगड़ी। अगर हिंदी भाषा में बात की जाए सिगड़ी की, तो उसे अंगीठी बोलते हैं। तो चलो फिर मेरी दादी और जोधपुर वाले दादी जी बना रहे हैं सिगड़ी, तो मैं दिखाता हूँ अब आपको। ये देखो कुछ इस प्रकार से बनाई जा रही है अंगीठी, हिंदी भाषा में बोले तो, और मारवाड़ी में कहे तो सिगड़ी। इसका ये नीचे वाला पोर्शन पूरा तैयार हो गया है। अब जो कोयले होते हैं ना, उनके लिए ये जो सरिये हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाए जाएंगे। बाकी ये बहुत यूज़फुल होती है, अगर आपके घर चूल्हा नहीं है और आप अगर खिचड़ा खाना चाहते हो तो। ये देखो अंगीठी बनकर तैयार हो गई है, और अब आप इसमें खिचड़ा पकाकर खा सकते हो। तो यार अभी मैं आपको बताता हूँ कि खिचड़ा क्या होता है। खिचड़ा बेसिकली है ना, जो बाजरे की फसल होती ना, उसका एक डिश होती है, उसकी एक डिश होती है जिसमें कि बाजरे को ना कूट कर बढ़िया बढ़िया ऐसे है ना बनाते हैं, जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही जब बाजरे का बनाते हैं तो उसे खिचड़ा बोलते हैं, और एकदम बढ़िया बनता है। जब आप उसे हांडी में बनाते हो, और हांडी में बनाकर फिर आप उसमें छाछ मिलाकर खा सकते हो, घी वगैरह मिलाकर सब खा सकते हो। कभी जब हम मनाएंगे ना सर्दियों में खिचड़ा, तब मैं आपको ब्लॉग में बता पाऊंगा। और अभी तो आ गए हैं हमारे यहाँ पर बंदर महाराज। ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास भाई साहब, खतरनाक तरीके से। तो सुंदरकांड का भी टाइम होने को है, तो पहले हम नींबू लेने चलेंगे, फिर हम चलेंगे सुंदरकांड में, ठीक है। कुछ ऐसा है बस स्टैंड का नज़ारा, और वो रही दुकान हमारे नींबू लेने के लिए। यहाँ से नींबू ले लिए हैं, उस दुकान पर तो भीड़ थी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ से ठेले से मैंने ले लिए नींबू। अब चलते हैं उधर, नींबू वगैरह तो पकड़ाती हैं घर पर, तो अब चलते हैं हम सुंदरकांड में बिकम चंद जी तेली के घर। सुंदरकांड है ना आज, तो चलो। ये है मुरली भैया जिनकी दुकान है, अभी हम वहाँ पर गए थे ना नींबू लेने, जहाँ पर हमें भीड़ मिली थी, वो है इनकी दुकान है। तो अब चलते हैं। रावण ब्रह्मा जलिकाया पाई जा
इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, लेकिन जो नया वाला ब्लॉग आएगा ना उसमें हम एक स्कूल में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो मिलते हैं फिर स्कूल में।